हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। पैरलर में पूजा सामंत फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में। तो हमारे वहाँ कल शाम से लाइट नहीं है, क्योंकि जो हमारे वहाँ बाईपास ये हाईवे आ रहा है, तो वहाँ पर जो बीच रोड में पोल था उसमें ट्रैक्टर की टक्कर लगी, पोल नीचे गिर गया। मतलब ऐसे चोट तो आई नहीं किसी को, चलो पोल तो अभी लाइट वाले आ रखे बनाने के लिए, उसको बना रहे अंडरग्राउंड, लाइट फिटिंग हो रही है उधर, जो उधर पे है बाईपास। और हम लोगों का आज आलू तो हम लोगों ने बो लिया, बो रही है बरसिम की तैयारी। और हम लोगों ने ख़रीदा था पराल, उसको हम वहाँ से खटी माँ से भैया लोग बुला के लेकर आए थे लेबर, तो लेबर इकट्ठा कर रहे हैं पराल, क्योंकि दूर है ज़्यादा। तो अपन बस भेन अछालक बुआरी कहाँ करण का तकन तो काम है, बदले में हूँ तब है, तो वहाँ पर वो रख रहे हैं पराल। जी कौन है? जी हमारा बाप। पता नहीं ये दीदी है। हाँ। और क्या कर रहा है? यहाँ पे छुपा हूँ। कहाँ पे छुपा है? हाँ। क्या कर रहा है छुप के? आओ याओ 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 याओ। ओम फोम कह दे एक बार। ओम फोम। फिर सॉरी है। ओम फोम ओम फोम बाय। तो अब मैं दाल के साथ बनाऊंगी पुदीने की चटनी। पुदीना तो है नहीं, अभी थोड़े दिनों बाद जम जाएगा, कहीं कहीं पर है। इसको मैं पीसूंगी, पुदीने टमाटर की बनाऊंगी मिक्स, और इसको मैं पीसूंगी फिलपट्टी में। अच्छा तो मिस्की की ब्याह मिक्सी होना नहीं की होना वही ब्याह में बनोनन, पर मैं यस बनोन फिलपट्टे में बारीक कर भेरन पीस भेरन, ना चटक मटक होल ना खुर्चियान झिक झिक हालू नहीं इसमें। मैं पहाड़ी बोलन ले ऊन बहने आज सिकन में रही हूँ पहाड़ी बोलन ने। वो ये चल दिए कंपाइन है काटने के लिए धान। इस बार ज़्यादातर लोगों के धान कंपाइन से नहीं कटे, क्योंकि खेत गीला था। और यहाँ पे हमारी हरी सब्जी हो गई है तैयार खाने के लिए, छोटी छोटी। इसमें दो वैरायटी की सब्जी है, एक यह है ये वाला राया और एक यह है कटिंग वाला। मतलब ये वाला तो जल्दी ख़राब हो, जैसे जनवरी शायद जनवरी में इसमें कीड़े लगने लग जाते हैं। ये वाला राया बहुत देर तक मार्च अप्रैल तक रहता है ये वाला, इसमें कीड़े भी नहीं। इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और वहाँ पर जम गई है मूली, और वो तो है आलू हमारे, अभी 4-5 दिन हुए हैं शायद बोए हुए। और ईछन हमारे चूखा बोट, ये हमारे कीमूख, ये अमरूद, मतलब बोट बटाल था यहाँ मस्त ब्याह। और वो ला रहे हैं भैया वहाँ से पराल, क्योंकि बहुत वो उधर पोल दिखाई दे रहा है, उधर से पराल लाना है। और वहाँ पर खड़ा हुआ है थ्रेसर, क्योंकि ये धान अभी घाई हो जाएगी। और वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं पराल इकट्ठा। तो मतलब पिछले बार तक तो अभी तक लोगों की गेहूँ बुक गई हैं, बुआई स्टार्ट हो जाती थी, पर इस टाइम बारिश के उससे सब बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। गेहूँ बुआई स्टार्ट कहाँ से, मतलब किसी ने बो दी, अभी तक लोगों के धान कटाई नहीं हुई, तो गेहूँ बुआई नहीं हो रखी है। तो आज हमारे घर में आ रखा है एक मेहमान, बहुत देर से उछल कूद कर रहा है, मुझे इसमें है क्या, मैं जाकर देखती हूँ। तो मैंने जाके मैं वहाँ गई तो गोदाम कमरे में, मुझे बहुत अच्छा मेहमान मिला है इसके अंदर। ये आज हमारे घर में आए हैं मूसक, गणेश जी के वाहन। छोटा बच्चा है अभी ये, इसके अंदर है ये छोटा सा चूहा, ये इसको मैं ऐसे छोड़ूंगी, बिल्ली के हाथ में पड़ेगा तो बिल्ली इसको खा जाएगी। ओ चले गया, इन दोनों के ऐसे हो रखे काम। क्या देख रहा है? ए क्या माँ पूछी, कार्टून ही देख कर लेता ना तू दिन भर। हाँ क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है ये देखो, क्या आ रहा है उसमें, गंदू है ना ये गंदू तभी।
तो बन गया मेरा खाना पीना, भैया लोगों ने खाना खा को के अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से जाएंगे अपनी ड्यूटी करने क्योंकि उन्हें जमा करना आज पूरा परात। तो 3 बजे के बाद फिर मैं लगाऊंगी गाय को दूध और उनको दूंगी फर्स्ट क्लास वाली चाय बना के, और इनका कुछ काम नहीं है ये सरमों का। तो यहाँ पे लगाए लोगों ने पराल के गट्ठे और वो वहाँ से ला रहे हैं भैया लोग पराल। तो फाइनली भैया लोगों ने पूरा सार दिया हमारा पराल, बिल्कुल साफ कर दिया, धून वून भी नहीं रख रखा इन लोगों ने पराल में। हाँ ये हमारे भैया, कहाँ से हो भैया आप? प्रॉपर खटी माँ, पहले से खटी माँ? सही है, अपनी मेहनत है। तो ये पूरा इन लोगों ने कर दिया साफ। होता है ना, इंसान अगर कोई भी काम करता है तो अच्छे तरीके से करे तो अच्छा लगता है। अब इन लोगों ने अच्छा कर रखा तो हम भी कहेंगे ना हमारे घर पे आए थे उन लोगों ने ऐसा किया, याद रह जाती है ना। कोई भी कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे। तो ये हैं भैया, चलो अब चाय बनाई, मैंने चाय पी हो गई। तू न काजू की दुश्मन अनाज की, हटका तू न काजू की दुश्मन अनाज की, खाने की होशियार काम की नमस्कार, खाने की होशियार काम की नमस्कार। तो कट गई है मेरी शाम की सब्जी, शाम की सब्जी बनाई आज मैंने, राई और आलू को बारीक करके काटा है। और आ गए हैं आज हमारे 9 बीघा के पूरे धान, अभी थोड़ी देर बाद लगेगा थ्रेसर, बस इतने ही हुए हैं। तो अब मैं करती हूँ शाम के खाने की तैयारी और करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।